तो गाइस कैसे हैं आप, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों एक बहुत ही छोटी सी कहानी आपके लिए। आप कौन से शहर से यह कहानी देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों एक बार की बात है, एक जंगल में एक घोड़ों का समूह रहता था। उस घोड़े के समूह ने अपना जीवन उसी जंगल में बिताया और जब वो बूढ़े हो जाते तो वहीं ख़त्म हो जाते। एक बार की बात है, एक घोड़े का बच्चा, उसने उस ग्रुप और उसने अपने समूह से कहा कि मुझे जंगल के बाहर जाना है, जंगल के बाहर क्या है मैं देखना चाहता हूं। तभी उस घोड़े के समूह ने उसे काफी डांटा और उसे कहा कि यदि तुम इस जंगल के बाहर जाते हो तो तुम मारे जाओगे, तुम्हें जानवर खा लेंगे और तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम वैसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगे। लेकिन उनकी बातों को सुनकर वह थोड़ा सा निराश जरूर हुआ, लेकिन उसकी दिल की जो इच्छा थी कि आखिर जंगल के बाहर क्या है, कैसी दुनिया है, वह देखना चाहता था। उसे ऐसा लगता था कि अगर वह उस जंगल के बाहर निकल गया तो वो उससे भी अच्छी ज़िंदगी जी सकता था। और कुछ दिन यूं ही चलता रहा। एक दिन की बात है, उसने सोचा कि क्यों ना मैं कल सवेरे ही जंगल से बाहर निकलने का कोई एक रास्ता खोजूं। और अगले ही दिन बिना किसी को बताए, बिना अपने समूह को बताए, वह सवेरे सवेरे उस जंगल से बाहर निकलने के लिए निकल पड़ा। और जैसे ही वो वहाँ से निकला, घना जंगल था, थोड़ा सा डर लगा उसे, लेकिन वह आगे की ओर बढ़ता चला। और बढ़ते बढ़ते जब थोड़ा सा दूर गया तो एक बहुत ही तेज़ी से प्रकाश दिखाई दिया। उस घने जंगल के बीच में जब प्रकाश दिखा तो वह उस प्रकाश का पीछा किया। और चलते चलते जब वह उस जंगल से बाहर निकल गया तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर गांव है, जहां लोग रह रहे हैं, जहां जानवर रह रहे हैं, और उसे वह दृश्य काफ़ी प्यारा लगा। उसने उस गांव से थोड़ा सा और आगे गया, उसने देखा एक बहुत ही बड़ा गांव आया, और अब उसे भूख लग चुकी थी और वह घास चरने लगा। तभी उस गाँव के एक व्यक्ति की नज़र उस घोड़े पर पड़ती है और वो कहता है, कितना सुंदर घोड़ा है, क्यों ना मैं इस घोड़े को अपने पास रख लूँ, इसे मैं अपने जीवन का साधन बना सकता हूँ, अपने जीवन यापन का साधन बना सकता हूँ। और वह उस घोड़े को ले जाता है और वह सोचता है कि इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी सेहत की देखभाल करूँ। और वह उसे अच्छा अच्छा दाना खिलाता है, अच्छी घासें लाता है, खिलाता है, बहुत अच्छे से देखभाल करता है। और जब वह कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, वह शहर जाता है उस घोड़े को लेके और सवारी करवाने लगता है और पैसे कमाने लगता है। दोस्तों उस घोड़े को तब बात याद आती है कि अगर मैं जंगल से निकलने की कोशिश नहीं करता तो मैं आज ये इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा होता। दोस्तों यह एक छोटी सी कहानी हम सभी को जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है। जैसा कि उस घोड़े ने सोचा कि मेरे पूर्वज या फिर मेरे से जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, शायद जो काम नहीं कर पाए वह मैं कर सकता हूँ, और ठीक वैसे ही वह जंगल से अपने समूह को छोड़कर बाहर निकला और उसने उस दुनिया को भी देखा और ज़िंदगी भी उसने बदल ली। दोस्तों यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको बड़े बुजुर्ग या फिर आपके जितने भी पूर्वज हैं आपको मना करें कि नहीं बेटा तुम्हें सफलता ऐसे ही नहीं मिलेगी, तुम जो कर रहे हो, हम जो करते आए हैं वही करो, वही सही है। मानता हूं उनकी बातें गलत नहीं हैं, लेकिन आज के ज़माने का अनुभव, आज के ज़माने के इस टेक्नोलॉजी के आधुनिक युग में आप आगे बढ़ सकते हैं, कई रास्ते हैं, बस आप ईमानदारी से अपने काम को करते रहिए। कोई भी बेईमानी अपने काम में ना करें और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, यकीनन बढ़ सकते हैं, बस हौसला रखिए और जुनून रखिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। दोस्तों यह घोड़े की कहानी आपको कैसे लगी, यदि पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं यह कहानी आपको कैसे लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।